हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, डी मैक्स फॉर्मूला कैसे यूज होगा आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट का एक कॉलम मैंने बनाया, फिर यहाँ पे कंपनी नेम लिखा है। अब प्रोडक्ट में क्या क्या है, कीबोर्ड है और माउस है, यही दो प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं और अलग अलग कंपनीज के रखे हैं। अब कंपनी जैसे मान लीजिए आईबॉल है, ठीक है, ये कंपनी आईबॉल है और ये जो कंपनी है यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं, इसकी प्राइस कुछ अलग है। देख लीजिए आप, यहाँ पर 310 रुपए एक की प्राइस है और यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो ये जो आईबॉल वाला है यहाँ पर 410 रुपया प्राइस है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूं कि आईबॉल का जो माउस है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम जो हमारे पास यूनिट है अवेलेबल वो हमें पता चल जाए, ठीक है। तो ये तो छोटा सा डेटाबेस है, बड़ा डेटाबेस होगा तो उसमें से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डीमैक्स फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ लिखा मैंने डीमैक्स और यहाँ पे कह रहा है डेटाबेस, तो हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस यही है। आपका डेटाबेस बड़ा होगा तो वहां से भी आप पूरे डेटाबेस को कर लीजिएगा सेलेक्ट, कॉमा दीजिएगा। फील्ड कह रहा है तो यूनिट हमें पता करना है तो यूनिट को चूज कर लेंगे, खाली हेडिंग आपको चूज करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। कॉमा देंगे, अब कह रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया ये लिखा है मैंने, ये हेडिंग सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा क्राइटेरिया हमने चूज कर लिया, ठीक है, और अब इसको बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए बता रहा है कि जो मैक्सिमम अवेलेबल है यूनिट वो 106 है, यहाँ पर 106 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर 78 है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम तो है ही नहीं, 78 ही अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 78 अवेलेबल है आईबॉल का ही माउस, लेकिन यहाँ पे 78 अवेलेबल है, यहाँ पे 106, तो यहाँ 106 वाला 106 वाला ये दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग ये करेंगे कि हम देखेंगे कि 310 रुपए वाला कितना अवेलेबल है, ठीक है। तो ये 310 रुपए यहाँ कीमत हमने लिख दी है और अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि 310 रुपए वाला कितना अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे लगाएंगे अब डी मैक्स वापिस से, तो ये डी मैक्स लगाएंगे MAX, तो ये डी मैक्स लगा लिया। अब ये डेटाबेस है हमारा, ठीक है, ये डेटाबेस ले लिया, कॉमा देंगे। अब हमको क्या पता करना है, यूनिट ही तो पता करना है, तो यूनिट पता कर लेंगे और यहाँ पे ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर जाइए, ठीक है। जैसे ही सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर ये बता रहा है कि 310 रुपए वाला जो है 106 अवेलेबल है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, 106 अवेलेबल है। अच्छा यहाँ पे प्राइस चेंज करता हूँ, अगर 400 वाले की बात करें तो यहाँ पर अपने आप चेंज हो जाएगा, 400 वाला केवल 78 अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डी मैक्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, बड़ा डेटाबेस होगा वहां भी इस तरह से एक्सट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।